हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजे मोटर्स। आज हम टीवीएस अपाचे आरटीआर 3110 जो पूरा आरआर 310 पर ही बेस्ड है, मगर ये नेक्स्ट स्ट्रीट फायर मोटरसाइकिल है और इसमें फेयरिंग नहीं मिलेगा। आपको वेट भी काफ़ी कम मिलेगा अगर आरआर से कंपेयर करते हो। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर वो भी मैटर करता है। तो क्या कुछ डिफरेंस है और कौन कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं आपको आरआर 310 के मुकाबले आरटीआर 310 में। तो चलिए पूरा वीडियो इन तक देखते हैं और उसके साथ आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि इसी वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और शुरुआत करेंगे जल्दी हम प्रैक्टिकल मोटरसाइकिल का शूटिंग करने से। तो यह है पूरी स्ट्रीट फाइटर स्टाइलिंग मोटरसाइकिल और उसका डिज़ाइन और फिलोसोफी सेम रहेगी अपने टीवीएस अपाचे आरआर 3110 के ऊपर ही, मगर सिर्फ फेयरिंग नहीं मिलेगी, हैंडल बार और थोड़े बहुत फीचर्स भी ऊपर नीचे हैं। इसमें आपको डायनामिक ट्विन एलईडी हेडलैम्प भी देखने को मिल जाएगा। पूरा सेटअप वैसे एलईडी का ही रहेगा, टेल लैम्प भी एलईडी रहेगी, ब्लिंकर भी एलईडी रहेंगे, 8 स्पोक के ड्यूल कलर्ड अलॉय व्हील देखने को मिल जाएंगे, वो काफ़ी अट्रैक्टिव रहते हैं और मजबूती भी काफ़ी प्रोवाइड करेंगे आपको हाई स्पीड पर गाड़ी को स्टेबल रखने के लिए। अब पावर टू फ्री स्टाइल यानी पूरा इसका फीचर्स देख लेते हैं। रेस ट्यून डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको मिलेगा, जिसमें आपको कॉर्नरिंग ABS ये क्लास लीडिंग फीचर्स है। आपको अब दूसरी कोई मोटरसाइकिल इसी सेगमेंट में आपको ये सारे फीचर्स कम देखने को मिलेंगे या सारे फीचर्स तो कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। उसके बाद व्हीली कंट्रोल भी आपको मिल जाएगा, ये आप अपना व्हीली को भी कंट्रोल कर पाओगे। कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिल जाएगा, रियर लिफ्ट ऑफ कंट्रोल मिल जाएगा, कॉर्नरिंग क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, स्लोप डिपेंडेंट कंट्रोल, ये सारे फीचर्स आपने अभी तक फोर व्हील में ही देखे होंगे, वो भी हाई एंड कार्स के अंदर ही मिलते हैं, मगर आजकल अभी हम लोग ये टू व्हीलर्स में भी देखने को मिल रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है और इंडिया की प्रोग्रेस इस तरह से हमको देखने को मिल जाती है। उसके बाद इसका वही सेम आरआर 310 में जो इंजन मिलता है वही सेम आपको रिवर्स इंक्लाइन इंजन मिल जाएगा, जिसमें आगे की तरफ आपका इनलेट रहेगा जहाँ से पेट्रोल और एयर को सक करेगा और पीछे से एग्जॉस्ट करेगा, और सेम पावर फिगर आपको देखने को मिलता है। सारी कॉन्फ़िगरेशन सेम है, अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा है तो आपको ये भी मालूम होगा इंजन कूलेंट किस तरह से काम करता है। यहाँ से इंसर्ट होता है, पूरा हीट अब्जॉर्ब करके यहाँ से बाहर निकलता है और फिर कूलिंग कॉइल में चला जाता है इधर से। उसके बाद आपको 6-स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा जो क्विक शिफ्टर के साथ आएगा और आपको ट्रैक पर काफ़ी कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा गियर शिफ्टिंग में। थ्रोटल बाय वायर टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी जो क्विक एक्सेलरेशन में आपको मदद का कभी भी आपको स्टक नहीं करेगा, क्विक एक्सेलरेशन आपका लॉन्चिंग बढ़िया होगा। रेस ट्यून लीनियर स्टेबिलिटी कंट्रोल और क्रूज कंट्रोल ये सारे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हो क्रूज का भी स्विच दिया हुआ है जो आप बड़ा घटा सकते हो और क्रूज एंगेज ऑन ऑफ भी कर पाओगे। एडजस्टेबल लीवर्स भी देखने को मिल जाएंगे और ये सारे फीचर्स आप एक्सेस कर पाओगे एक डिस्प्ले के थ्रू, जिसके फीचर्स भी मैं आपको आगे बताऊंगा। स्लीपर क्लच रेस ट्यून आपको देखने को मिल जाएगा, उसके साथ साथ ये ऑयल और कूलेंट को कूल करने के लिए एक कॉइल दी गई है, ये इसका भी फीचर इस तरह से कुछ रेस ट्यून है ये भी, यानी काफ़ी इफेक्टिवली ये वर्क करता है। फटाफट आपको इंजन ऑयल और इंजन कूलेंट ठंडा करके देगा। GTT यानी ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी जो सारे गियर पर आपको एक पर्टिकुलर स्पीड पर ग्लाइड करने देगी, जिससे एक तरह से आपको मदद भी मिलेगी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में या फिर ऑन गोइंग मूविंग ट्रैफिक होगा जो स्पीडी नहीं होगा मगर आपका गाड़ी रुका हुआ नहीं रहेगा, तो वो कंडीशन के वो सिनेरियो में आपको ये फीचर्स काफ़ी मदद प्रूफ होगा। उसके बाद इसकी चेसिस के बारे में देख लेते हैं। ये पूरी एल्यूमिनियम की हाइपर स्पेक वाली फ्रेम है और एल्यूमिनियम की वजह से मजबूत भी है और काफ़ी हल्की भी रहेगी।
फ्री स्टाइल एर्गोनॉमिक्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी ये पूरा एर्गोनॉमिक्स उस तरह से है, आप इसको स्ट्रीट फाइटर की तरह भी यूज़ कर पाओगे, कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन भी रहेगी, और अगर आपको ट्रैक पर भी ले जाना है तो इजीली आप इसको ट्रैक पर भी चला पाओगे। और सेम वही KYB के रिस्पॉन्सिव सस्पेंशन देखने को मिल जाएगा रियर में, और सुपर मोटो मोड इसमें आपको देखने को मिलेगा जो आपका रियर व्हील का ABS को डिसंगेज कर देगा, और मैक्सिमम पावर आउटपुट आपको सुपर मोटो मोड में देखने को मिलेगा। वो आपको अनलॉक करवाना पड़ेगा या फिर हाई एंड मॉडल यानी टॉप एंड मॉडल में ही आपको देखने को मिलेगा। मिशलिन के टायर देखने को मिल जाएंगे, जो मिशलिन आप सब भी जानते हो कि मिशलिन के टायर की क्वालिटी कितनी बढ़िया रहती है, और वो आपको ABS और ट्रैक्शन के साथ कन्फिगर होके पूरी ग्रिप और कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा ट्रैक पर और नॉर्मल रोड की कंडीशन पर भी। स्पोर्टी स्टील ट्रैप हैंडल बार आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि इसमें क्लिप ऑन हैंडल बार का यूज़ नहीं किया गया, ये स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल है तो आपको पाइप वाला हैंडल बार देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी कंफर्टेबल भी है और आपका लुक भी एनहेंस करेगा मोटरसाइकिल का। रेस्ट इन लीनियर स्टेबिलिटी कंट्रोल और लीनियर ट्रैक्शन कंट्रोल, यानी आपको अचानक से झटका महसूस नहीं होगा इसका, इसको अचानक से स्टॉप करने पर काफ़ी आराम से लीनियर तरीके से ये स्टॉपिंग पावर इसमें डिलीवर होगा। एडजस्टेबल हैंडल लीवर जो मैंने पहले आपको बताया था वो भी देखने को मिल जाएंगे। ये है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये पूरा इसके अंदर ज़्यादातर डिटेल तो ट्रैक बेस ही रहेगी। रेस्ट यूनियर यानी ट्रैक में आपने 0 to 60 कितने टाइम में अचीव किया, 0 to 100 कितने टाइम में अचीव किया, टॉप स्पीड आपकी कितनी रही, ये सारे फीचर्स आपको वैसे ही देखने मिलेंगे। 5 inch का TFT रेस्ट कंप्यूटर, इसको TVS बोलता है, और इसमें आप ट्रैक्शन ऑन ऑफ भी कर पाओगे, क्रूज कंट्रोल को भी आप देख पाओगे, ये सारे फीचर्स आपको इसी में मिल देंगे। ऊपर से आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाएगा, और बहुत सारे फीचर्स है, अगर इसका लिस्ट आउट करूँ तो पूरा एक वीडियो इस पर डेडिकेटेड बन जाएगा, मगर मोटा मोटा आपको दिखा देता हूँ। राइड मोड भी आपको देखने को मिल जाएंगे जो TVS अपाचे 310RR में भी हमने देखे थे उसी तरह, मगर इसमें एक सुपर मोटो मोड एक्स्ट्रा देखने को मिल जाएगा। बाकी स्मार्ट एक्स कनेक्ट फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा जो हमने पहले भी TVS की मोटरसाइकिल में देखा था, जिसमें आपको वॉइस असिस्ट, फिर आप 3 words में नेविगेशन भी कर पाओगे यानी कहाँ से कहाँ जाना है वो आप देख पाओगे। रेस्ट टेलीमेट्री भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। टेलीफोनिक कंट्रोल यानी कॉल अलर्ट और SMS अलर्ट भी आपको ये ऑडोमीटर पर देख पाओगे। डिजिटल डॉक्यूमेंट आप इसमें सिक्योर कर पाओगे, यानी 3 documents आप इसमें स्टोर कर पाओगे, आपका लाइसेंस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, PUC हो गया या फिर RC हो गए, ये 4 documents में किसी भी 3 documents, एक्चुअली इसमें 4 documents का अलाउरेंस रखना था तो क्या RC और ये सारे चार डॉक्यूमेंट जो मैंडेटरी है वो सारे इसमें आ जाते हैं। अब इसमें आपको क्रैश अलर्ट भी मिलता है, म्यूजिक प्लेबैक का भी ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, कौन सा म्यूजिक अभी फिलहाल चल रहा है, और वो आप हैंडल बार के कंट्रोल से म्यूजिक को शिफ्ट कर पाओगे अगर आपने ब्लूटूथ से मोबाइल को कनेक्ट करके रखा है तो ये फीचर का यूज़ कर पाओगे। इसमें आपको GoPro कंट्रोल भी मिल जाएगा जिससे आप फ्री स्टाइल कंट्रोल कैमरा विथ टॉगल स्विचेस, यानी आप अपने किन्हीं 3 applications को ऑन गो कनेक्ट कर पाओगे। वैसे मुझे ज़्यादा इसके फीचर्स में डिटेल में मालूम नहीं है, आप कमेंट करके बताओ क्या इसका फीचर रहेगा, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट भी कर देना। स्मार्ट हेलमेट कनेक्टिविटी भी इसमें ही आपको देखने को मिल जाएगी, यानी अगर आपका हेलमेट में भी ब्लूटूथ कंट्रोल फीचर आता है, स्मार्ट हेलमेट है तो आप उसको कंट्रोल कर पाओगे इस ऑडोमीटर के जरिए से। तो ये थे सारे फीचर्स, और मेरे ख्याल से ऑडोमीटर में मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, मैं देख लेता हूँ एक बार। राइड मोड, फिर अर्बन मोड, ये अर्बन मोड, रेन मोड, ये सारे मोड तो पहले भी हमने देख लिए थे। सुपर मोटो मोड, ये ट्रैक मोड आपको देखने को मिल जाएगा।
मोटा मोटा तो सारा मैंने कवर अप कर लिया है, फिर भी एक बार देख लेता हूँ। बस ऑलमोस्ट सारा कवर हो गया। अब ये बिल्ट टू ऑर्डर फीचर मिलता है आपको। आप अपनी TVS अपाचे RT8310 को कस्टमाइज भी करवा सकते हो आप अपने हिसाब से। इसमें तीन तरह की प्री डिफाइंड किट भी मिल जाता है, डायनामिक किट, डायनामिक प्रो किट और कलर किट। तो डायनामिक किट में आपको फुली एडजस्टेबल फ्रंट एंड रियर सस्पेंशन मिल देखने को मिल जाएगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिल जाएगी, ब्रास कोटेड चेन देखने को मिल जाएगी। डायनेमिक प्रो किट में आपको अलग ही फीचर मिलेगा। ये फीचर अभी तक का मैंने मोटरसाइकिल में देखा नहीं है। इंडियन मोटरसाइकिल की बात कर रहा हूँ, इंडिया में ज़्यादातर जितनी भी मोटरसाइकिल अभी तक हाई एंड बनी है इसमें नहीं मिला है। जो है क्लाइमेट कंट्रोल इन द सीट, यानी आप अपनी सीट में क्लाइमेट के हिसाब से उसको टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाओगे। रेस्ट इन डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल भी आपको मिल जाए। ये फीचर तो हमने पहले भी देख लिया था। और कलर किट में आपको ये कलर कॉम्बिनेशन का आपको देखने को मिलेगा। बेसिक रिव्यू देख लेते हैं, कुछ इस तरह से इसका 360 व्यू है। इसमें आपको येलो और ब्लैक ये दो कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और इसी के साथ आप इंजन स्पेसिफिकेशन भी देख लेते हैं, मगर उससे पहले मैं आपको साउंड सुनाने की कोशिश करता हूँ। ये था इसका साउंड। और इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो सिंगल सिलेंडर, फोर स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड, लिक्विड कूल, स्पार्क डी इग्निशन सिस्टम वाला इंजन आपको 312.12 cc का देखने को मिल जाएगा। इसका मैक्सिमम हॉर्स पावर निकलेगा 35.6 हॉर्स पावर 9700 RPM पर, जो आपको स्पोर्ट मोड, ट्रैक मोड और सुपर मोटो मोड में देखने को मिलेगा। अगर आप अर्बन मोड और रेन मोड में चलाते हो तो 27.1 हॉर्स पावर 7500 RPM पर देखने को मिलेगा। वैसे ही सिमिलरली आपको ट्रैक टॉर्क की बात की जाए तो स्पोर्ट, ट्रैक और सुपर मोटो मोड में 28.7 न्यूटन मीटर का 6650 RPM पर देखने को मिल जाएगा। अर्बन मोड और रेन मोड में 27.3 न्यूटन मीटर का 6600 RPM पर स्ट्रोक देखने को मिल जाएगा। बोर इसका 80 mm का रहेगा, स्ट्रोक इसका 62.1 mm का रहेगा। क्लोज लूप EFI सिस्टम रहेगी फ्यूल इंजेक्शन की, और थ्रोटल बाय वायर यानी थ्रोटल कंट्रोल आपका इलेक्ट्रिकली कंट्रोल रहेगा। बोर टू स्ट्रोक रेशियो 1.29 का रहेगा, और स्टार्टिंग आपका इलेक्ट्रिकल। आइडल स्पीड इसकी 1400 से लेके 1800 के बीच में रहेगी, प्लस माइनस का हिसाब करके। और इग्निशन सिस्टम आपका ECU बेस्ड रहेगा, डायनामिकली कंट्रोल रहेगा। वो पावर टू वेट रेशियो 0.15 kW पर केजी का रेशियो रहेगा। कंप्रेशन रेशियो रहेगा 12.17 0.35:1 का। एयर फिल्टर ड्राई पेपर टाइप का रहेगा। कूलिंग सिस्टम लिक्विड कूल रहेगा। मफलर सिंगल पाइप सिंगल बॉडी डिजाइन का रहेगा, जो हमने 310 RR में भी देखा। क्लच इसमें 7 प्लेट वाला स्लीपर क्लच देखने को मिलेगा, जो रेस ट्यून रहेगा, वेट मल्टीप्लेट टाइप का 7 प्लेट का। 6 स्पीड का गियर बॉक्स मिलेगा। मैक्स स्पीड इसकी 150 km/h की रहेगी। 0 to 2 सेकंड में ये गाड़ी 45.6 km/h की स्पीड गेन कर लेगी। 0 to 62.81 सेकंड में, 0 to 107.19 सेकंड में अचीव कर पाएगी। अब इसके चेसिस सस्पेंशन और इलेक्ट्रिकल की बात की तो फ्रेम इसकी हाइब्रिड विथ ट्रेलिस एंड कास्ट फ्रेम स्प्लिट चेसिस टाइप की रहेगी। फ्रंट सस्पेंशन इसमें आपको USB 41 mm डायमीटर का मिलेगा। रियर सस्पेंशन सॉलिड डाई कास्ट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म, बाई डायरेक्शनल हैंग मोनोसॉक्स, प्री लोडेड एडजस्टेबल मिलेगा। बैटरी इसमें 12 वोल्ट 8 एम्पियर की मेंटेनेंस फ्री बैटरी देखने को मिल जाएगी। लीड एसिड रहेगी। हेडलैम्प 12 वोल्ट का LED सेटअप रहेगा। टेल लैम्प 4 वोल्ट का LED रहेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 5 इंच का रहेगा।
टीएफटी डिस्प्ले वाला। ब्रेक की बात की जाए तो इसमें रिम साइज 3x17 की रहेगी फ्रंट की, 4x17 की रियर की रहेगी। टायर की साइज की बात की जाए तो फ्रंट में आपको 110x17 का 17 इंच का टायर मिलेगा, रियर में 150x60 का R17 यानी 17 इंच का टायर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 300mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी, रियर में 240mm की डिस्क ब्रेक मिलेगी। ड्यूल चैनल ABS और .4 का फ्लूड इसमें पड़ेगा। डायमेंशन की बात की जाए तो हाइट इसकी 1156mm की प्लस माइनस 10mm रहेगा, लेंथ इसकी 1991mm की प्लस माइनस 20mm का पकड़ के चलना पड़ेगा। विथ इसकी 831mm की रहेगी, व्हील बेस इसका 1358mm का रहेगा, ग्राउंड क्लियरेंस इसका 180mm का रहेगा, सेडल हाइट इसकी 800mm की रहेगी, कर्ब वेट इसका 169 किलो का रहेगा और मैक्स पेलोड 130 किलो का रहेगा। फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसकी 1100 की रहेगी। अब इसकी स्पेसिफिकेशन के बाद एसेसरीज देख लेते हैं। एसेसरीज में आपको जैकेट, ग्लाउस, हेलमेट ये सारी चीज़ें तो मिलेगी, इसके साथ सेडल बैग, टैंक पैड, क्रैश गार्ड और इंजन क्रैश गार्ड मिलेगा, फिर हैंडल बार हैंड नकल गार्ड मिलेगा और वाइजर मिलेगा फ्रंट में और टॉप लोडर भी मिलेगा। ये सारी एसेसरीज का पार्ट है, आप इसको परचेज कर पाओगे TVS के शोरूम में जाके ही, और आफ्टर मार्केट भी मिलती है, मगर ये इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रहती है। प्राइस की बात की जाए तो TVS Apache RTR 3110 आपको एक शोरूम 3 वेरिएंट मिलते हैं। इसमें आर्सेनल ब्लैक आपको 242,990 रुपये का रहेगा विदाउट फिक्स शिफ्टर वाला, और आर्सेनल ब्लैक में ही अगर आप 257,990 रुपये खर्च करते हो इसमें आपको फिक्स शिफ्टर भी मिल जाएगा, और 263,690 अपाचे RTR फेरी येलो कलर का प्राइस देखने को मिल जाएगा। आप अपने नज़दीकी डीलर का कांटेक्ट करें और एक टेस्ट राइड ज़रूर लें ये मोटरसाइकिल की। ये मोटरसाइकिल आपको सिटी में कम्यूट करने के लिए, हाईवे पर कम्यूट करने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी, ऑन गोइंग आपको पावर भी मिल जाएगा और फन टू राइड मोटरसाइकिल रहेगी। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट दबा दो भाई।